दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप बड़ी ही आसानी से बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड ढूंढ सकते हैं, जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन होगा और उसकी सीपीसी भी बहुत हाई होगी। जो आपके अकॉर्डिंगली आप जिस भी वर्ड पर अपना ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आप उसको देख करके वहाँ से आप उसका टाइटल लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड पर, इस आर्टिकल पर कितना कॉम्पिटिशन है, उसी के हिसाब से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, और इस वेबसाइट पर आप जा करके बड़ी ही आसानी से रिसर्च कर सकते हैं उस कीवर्ड के ऊपर कि कितना उसके ऊपर कॉम्पिटिशन है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम है, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा देगा। और ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। क्योंकि मैं खुद इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दिया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। इसे बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर भी यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आर्टिकल को सर्च करें और उस पर देख पाएं कि कितना कंपटीशन है। उसके जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं, उसे लिखने से पहले आपको उसके लिए सर्च कर लेना चाहिए, आपको पता कर लेना चाहिए कि इस कीवर्ड पर आपको कंपटीशन कितना है, कितना इसका सीपीसी है। हो सकता है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसका सीपीसी बिल्कुल बहुत ही कम हो, तो आपको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका मेन मोटिव कहीं ना कहीं अर्निंग ही होगा। अगर उसका सीपीसी बहुत कम होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिखने का, जिसकी वजह से आपको, अगर एक बार आप रिसर्च कर लेंगे इस वेबसाइट पर जाकर के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइटल क्या देना है, और टाइटल के बाद ही उस वर्ड को आपको कई बार उस आर्टिकल में भी लिख देना है, ताकि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द रैंक हो। इतनी जल्दी रैंक नहीं हो जाती, लेकिन रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा टूल है जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को, अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं गूगल में। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और उस वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र में जाना है। मैं गूगल क्रोम का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हमें जाना है। यहाँ पर उस वेबसाइट का हमको नाम लिखना है जिसका मैं बताने वाला हूँ। तो उस वेबसाइट का नाम है नील पाटिल, NEILPATEL। इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा नील पाटिल नाम की एक वेबसाइट है, neilpatil.com। आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से लो कंपटीशन कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसका सीपीसी कितना है। अगर लो सीपीसी होगा तो आपको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा उस कीवर्ड पर, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पहले। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सर्च करना है। तो मैं इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर ए डोमेन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कीवर्ड लिखना है, जिस भी कीवर्ड पर आपको सर्च करना है यहाँ पर आपको कीवर्ड लिखना है। मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। आप देख पा रहे होंगे मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर लिख दिया है, देखिए जूम करके मैंने दिखा दिया। अब देखिए हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है सिंपली। ये इंडिया का है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो हमें सर्च करना है। अब देखिए जब हम सर्च कर रहे हैं, ये बता रहा है कीवर्ड ओवरव्यू डिजिटल मार्केटिंग। ये अभी सर्च कर रहेगा, अभी आपको दिखा देगा सारे के सारे रिजल्ट्स, आपको पता चल जाएगा इस पर कितना कंपटीशन है, कितने लोग इसको देखते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए आप सर्च वॉल्यूम, ये सर्च तो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए हाई लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, यहाँ पर 135,000 सर्च होता है मंथली। लेकिन यहाँ पर देखिए सीओ के बारे में डिफ़िकल्टी, मतलब हार्ड लिखा हुआ है, मतलब आप इसको सीओ, अगर आप इस टॉपिक पर लिखेंगे, आपका टाइटल ये होगा डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको रैंक कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर देखिए पेड डिफ़िकल्टी ये है 49, और यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक, ये देखिए इसका सीपीसी तो काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे 35 रुपये 19 पैसे इसका सीपीसी तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस पर अगर आप लिखेंगे शुरुआत की, आप कोई वेबसाइट है अभी आपने शुरुआत किया है, तो यहाँ पर रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी में कुछ और ऐड करके। अब हमने डिजिटल मार्केटिंग तो लिखा हुआ है, यहाँ पर इन दिल्ली लिख देते हैं। अब हमें सर्च करना है, अभी फिर से एक बार सर्च कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप सर्च वॉल्यूम 720, ये बहुत ही ज़्यादा लो है। और आप हमेशा ये देखेंगे जहाँ पर भी सर्च वॉल्यूम हाई होगा, तो लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होता है कि जहाँ पर सर्च वॉल्यूम होगा वहीं पर ही लोगों को टॉपिक पर लिखना होता है, जिसकी वजह से सीओ डिफ़िकल्टी हार्ड हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईजी बता रहा है ये, क्योंकि सर्च वॉल्यूम कम है तो ईजी है। लेकिन इसका कॉस्ट पर क्लिक देखिए सीपीसी, मतलब कि आपके कुछ क्लिक्स भी आएंगे तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे इसका कॉस्ट पर क्लिक, और यहाँ पर देखिए पेड डिफ़िकल्टी हार्ड है, लेकिन सीओ डिफ़िकल्टी देखिए इजी है। और यहाँ पर इस वेबसाइट के बारे में आपको और भी सब कुछ दिख जा रहा होगा, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं खुद इसका यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है और किस कीवर्ड को आप देख पा रहे होंगे। और इसकी अच्छी खासियत तो यही है कि ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में ही देख पा रहे होंगे इस पर। और यहाँ पर कीवर्ड्स आइडिया वगैरह वगैरह
आप देखिए कीवर्ड्स आइडिया में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो इस जो वर्ड आपने लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा सब कुछ, और सभी के बारे में आपको दिख जाएगा किसका CPC कितना है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। वॉल्यूम, CPC, पेड, कितना डिफ़िकल्टी है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इस तरह से आप इसको सर्च करने के बाद ही, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही आप लिखें, और ये बिल्कुल फ्री है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो यही था इस वीडियो में, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।